आदेश 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 किताब ज्ञान पार्ट 9 अध्याय 1 का आज श्लोक 15 और 16 इसकी चर्चा करेंगे। हम जानते थे दुर्योधन को खुश करने के लिए जो शंख बजाया गया उसके कारण चुप प्रति सात प्राप्त हुआ, उससे श्रृंखला में अब कौन कौन सा संघ बजाते हैं और ज्यादातर संघों जो होते हैं उसका महत्व क्या है इसकी चर्चा करेंगे। बात यहां पर आती है कि 15वें श्लोक में बोला है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दम्यो महाशंख भीर्म कर्मा ब्रुकोदरः। 16वें श्लोक में बोला है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुदोष मणि पुष्पकौ। इसका भावार्थ ये होता है हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया और बोला कि हे राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल ने और सहदेव ने सुदोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। बात यहां पे आती है परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा पांचजन्य शंख बजाया गया। पांचजन्य शंख सही अर्थ में ऐसा है कि पांचजन्य नाम का एक राक्षस था, इसका वध कृष्ण ने किया था तो उसको शंख के स्वरूप में स्वीकार किया, इसके लिए इस शंख का नाम पांचजन्य शंख बना। अर्जुन के द्वारा राजसूय यज्ञ हुआ था, उसी समय बहुत राजाओं को जीते थे, बहुत धन एकत्रित किया था, इसके कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। निपावट कवच ऐसे अन्य राक्षसों के सामने युद्ध करते वक्त इंद्र के द्वारा अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख भेंट किया गया था और वही शंख को बहुत जोर से बचाया गया। यह शंख ऐसा था कि जिसके कारण शत्रुओं में भय फैला जाता था। हिडंबासुर बकासुर जटासुर ऐसे अन्य राक्षस तथा किचक जरासन ऐसे वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा हो गया। भीम की बात करें तो उनके पेट में जठाराग्नि बहुत तेज था मगर उसके सिवा भी ब्रूक नाम का एक विशेष अग्नि था और ये विशेष अग्नि के कारण अधिक से अधिक भोजन भी वो पचा लेते थे, इसके लिए इसका नाम ब्रुकोदर पड़ा। इनके द्वारा पौंड्र नाम का शंख बजाया गया। ये शंख भीम को नागलोक के राजा के द्वारा प्राप्त हुआ था। जब भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए इसके बाद में जब डाला गया तो वो पाताल लोक में पहुंचे, वहां नागों के राजा वसुकी ने खुश होकर ये पौंड्र शंख दिया था। ये
शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि अश्व और यहां तक बोले कि गज यानी हाथियों की भी जब ये शंख बजता था तब मलमूत्र निकल जाते थे, तो आदमियों की तो क्या बात करें। सोलहवें श्लोक में बताया गया कि पांडवों के पुत्र किसी चर्चा चल रही है तब पांडवों के पांच पुत्र मगर भीम अर्जुन और युधिष्ठिर ये कुंती पुत्र थे और नकुल और सहदेव मांद्री पुत्र थे। इसलिए यहां ये भेद दिखाने के लिए युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र ऐसे शब्द को उपयोग किया गया। युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का भी उपयोग किया गया क्योंकि जब जुए में हार गए उसके पहले वो आधे राज्य का जिसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता है इनके राजा थे, मगर नियम के अनुसार वनवास जाना पड़ा और 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का गुप्तवास इनको बिताना था। इनके बाद जब वापस आवे लौट के तब इनको राजा बनाना चाहिए था, मगर राजा न बनाने के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। ये राजा शब्द का उपयोग करके संजय ये भी बताना चाहते हैं या तो ये इशारा करना चाहते हैं कि आगे जाते हुए पृथ्वी मंडल के धर्मराजा युधिष्ठिर ही राजा हो गए। आगे की बात करें तो नकुल द्वारा सुधोम नाम का और सहदेव द्वारा मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। ये सब रसप्रद बातें हैं, एक एक शब्द के अंदर कुछ न कुछ छुपा है। जैसे कि हम बता रहे हैं तो गुकोदर क्या है, धनंजय क्या है, गीता की रहस्य का आगे जाते बहुत मजा आएगा। तो मैं अपेक्षा रखता हूं आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोग पहुंचाइए। अभी तो जो समय है सनातन का उसके अंदर हमारे बच्चों के अंदर सही ज्ञान पहुंचना भी जरूरी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जरूर मेरे को सहयोग दें। अस्तु, शुभम भवतु।